तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पावर ग्रिड स्ट्रेटजी 2 का जो सीबीडी टेस्ट हुआ था 20 तारीख को, 20 जनवरी 2018 को, तो उसका कट ऑफ के बारे में देखेंगे और हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट के फीडबैक के हिसाब से जो टेक्निकल पोर्शन था, टेक्निकल पोर्शन 120 था, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बहुत सही आया है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आर के राजपूत से दिया हुआ है। ठीक है, तो टेक्निकल में सब लोग 100 पार कर लेगा, ये उम्मीद है। और जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, नॉन टेक्निकल पोर्शन में थोड़ा टफ दिया था, थोड़ा मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं दिया था, थोड़ा टफ दिया था। तो नॉन टेक्निकल पोर्शन में ज़्यादा लोग कर नहीं पाएगा, मतलब 30 के आसपास जाएगा, उससे ज़्यादा कर नहीं पाएगा। तो सारे चीज़ देखते हुए मैं कट ऑफ मार्क्स ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो जनरल का देखिए वैकेंसी जो था 15 था जो पावर ग्रिड में, और पोसोको कंपनी उसके साथ ऐड हुआ था, पोसोको में था 4 वैकेंसी था, टोटल 19 था, 19 टोटल वैकेंसी था। तो उस हिसाब से जो कट ऑफ मार्क्स जाएगा 128 से 135, ये जो मैं कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूँ ये लोअर कट ऑफ मार्क्स है। ठीक है, 128 से 135 तक रहेगा जनरल का। और ओबीसी का जो है, एनसीएल ओबीसी का वैकेंसी था 7 और इसका कट ऑफ जा सकता है 125 से लेकर 133 तक। ठीक है, क्योंकि ओबीसी जनरल बराबर मतलब आसपास ही रहता है, उतना फर्क नहीं पड़ता है। और शेड्यूल कास्ट का जो वैकेंसी था ये भी 7 था और इसका भी कट ऑफ ओबीसी के बराबर ही जाएगा, 124 से लेकर 132 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एसटी का। एसटी का वैकेंसी 1 था, तो 1 वैकेंसी मतलब समझ रहे हो, मतलब एक ही लोग कर पाएगा, जो लोग टॉप करेगा एसटी में सिर्फ वही लोग कर पाएगा। तो 123 से लेकर 126 तक इसका कट ऑफ मार्क्स रहेगा, मतलब कट ऑफ मार्क्स बता सकते हो, इसका मैक्सिमम मार्क्स भी वही बता सकते हो इस एसटी के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आदर्श। आदर्श मतलब पीडब्ल्यूडी और जो कैंडिडेट रहता है, फिजिकल हैंडीकैप और कुछ रहता है ऐसा, जो उन लोगों का खुद का जो मतलब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, उन लोगों का जो वैकेंसी था वो था पावर ग्रिड में, देखिए बीजेसील में 5 था और पोसोको में 2 था। ठीक है, इसमें भी 7 वैकेंसी हो रहा है, तो इन लोगों का कट ऑफ मार्क्स थोड़ा डाउन जाता है। ठीक है, तो इन लोगों का उसी हिसाब से कट ऑफ मार्क्स जाएगा 118 से लेके 125 तक। ठीक है, तो चलिए थैंक यू। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी मैं डिप्लोमा के लिए, बीटेक के लिए, आईटीआई के लिए वीडियो डालता रहूँगा। तो चलिए, धन्यवाद।